स्वाति हर बार की तरह अपनी मम्मी को मेकअप करते हुए देख रही थी। क्या हुआ बेटा स्वाति, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो बेटा? वो मम्मा, क्या मैं भी मेकअप कर सकती हूँ? नहीं बेटा, मेकअप आपके लिए हार्मफुल हो सकता है ना, आप अभी बहुत छोटे हो, ठीक है? आप बड़े हो जाओगे तब आप मेकअप करोगे। ओके मम्मा। चलो बेटा मैं चलती हूँ मार्केट, और आप अपना ध्यान रखना और घर का भी ध्यान रखना, ठीक है बेटा? ओके मम्मा, बाय। चलो मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। मम्मा तो गई, नहीं तो वो मुझे बिल्कुल मेकअप नहीं करती। अब स्वाति अपनी मम्मी की एब्सेंस में डेली मेकअप करने लगी। अब तो स्वाति सच बता ही देगी। बेटा, क्या आपने मेरी एब्सेंस में अपने फेस पर कुछ अप्लाई किया था? नहीं मम्मा, मैंने तो अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया। देखो बेटा, झूठ बोलने पर पनिशमेंट भी मिलती है, और आपके जो ये पिंपल्स हैं ना, ये और ज्यादा हो जाएंगे। इसीलिए आप मुझे सच सच बता दो कि क्या आपने मेरी एब्सेंस में अपने फेस पर कुछ अप्लाई किया था या नहीं। मम्मा, मैं अगर आपको सच बताऊंगी तो आप गुस्सा तो नहीं करोगी? असल में मैंने सच में आपकी एब्सेंस में मेकअप किया था। मम्मा, क्या आप मेरा फेस पहले जैसे सॉफ्ट और सुंदर कर सकती हो? बेटा, अभी आपका फेस पहले जैसा ही सॉफ्ट और सुंदर है। वो तो बस मैंने आपके फेस पर डॉट्स बना दिए थे ताकि आपको रियलाइज हो कि बच्चों के लिए मेकअप बहुत हार्मफुल होता है, बच्चों को डेली मेकअप नहीं करना चाहिए। हाँ मम्मा, ये आपने किया था, मैं तो डर गई थी। थैंक यू मम्मा मुझे समझाने के लिए, अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है बेटा, अब आपको रियलाइज हो गया ना, और नेक्स्ट टाइम से आप ऐसा बिल्कुल मत करना। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने झूठ नहीं बोला, मुझे सच सच सब कुछ बता दिया। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरी अच्छी